आईपीएल 2025 को लेके बहुत बड़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। वहीं पे आरसीबी टीम से एक अपडेट निकल के आ रही है कि आरसीबी टीम मेगा ऑक्शन में जाते हुए एक प्रॉपर लेफ्ट हैंडर फिनिशर को अपनी टीम में डिमांड कर रही है। और देखिए, आप लोग को मालूम है कि हम किसकी बात करने वाले हैं। देखिए, गुजरात टाइटन्स की टीम के डेविड मिलर को आरसीबी टीम अपनी टीम में शामिल करने वाली है, क्योंकि डेविड मिलर वैसे भी रिटेन नहीं होने वाले हैं, वो रिलीज हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, आरसीबी टीम के पास मौका रहेगा कि मेगा ऑक्शन में एक प्रॉपर हार्ड हिटर यानी कि लेफ्टी बैट्समैन को अपनी टीम में शामिल कर ले, जो इनके लिए नंबर 6, नंबर 7 या फिर नंबर 5 तक कहीं पर भी बैटिंग कर सकता है। अच्छी खासी चिन्नास्वामी में छक्के मारने की काबिलियत है। देखिए, साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने अच्छी खासी बैटिंग की हुई है आईपीएल में। आईपीएल 2022 का जो टीम देखा जाए, गुजरात टाइटन जो ट्रॉफी जीती थी, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं डेविड मिलर का भी था, जहां पर चाहे फिर वो देखा जाए एक ओवर में स्टार्टिंग की 3 बॉलों में उन्होंने 18 रन बना दिए थे। आप लोग समझ सकते हो कि अच्छी खासी पावर हिटिंग करना जानते हैं, बैक टू बैक छक्के मारना जानते हैं, एक ओवर में 3 से 4 छक्के आराम से मार सकते हैं। तो आरसीबी टीम को एक ऐसे प्रॉपर फिनिशर की जरूरत है, क्योंकि देखिए नंबर 5 तक तो आपके पास फिर भी कैमरन ग्रीन का ऑप्शन रहता है, लेकिन अगर आप जैसे ही आरसीबी टीम के लिए नंबर 6, नंबर 7 पे जाते हो, यहाँ पे आरसीबी टीम हमेशा स्ट्रगल करती है। एक टाइम पे आरसीबी टीम के पास एवी डिविलियर्स हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं वो संभाल लेते थे, लेकिन आरसीबी टीम के पास अब पिछले 2-3 सीजन से जब से एवी डिविलियर्स गए, तो ग्लेन मैक्सवेल पर बहुत ज्यादा ये टीम डिपेंड कर रही है। वहीं पर ग्लेन मैक्सवेल का सीजन बहुत ज्यादा बेकार चला गया था, तो इस टीम को लेने के देने पड़ गए थे, यानी कि लास्ट के 4-5 ओवर में जो हार्ड हिटिंग करके टीमें 50 या 60 रन बना देती हैं, आरसीबी टीम वो मिस कर रही थी, क्योंकि वहां पे फाफ डुप्लेसी विराट कोहली तो अच्छी खासी ओपनिंग कर देते थे, जब तक विल जैक्स थे जब तक अच्छी खासी पारी चल रही थी, लेकिन जैसे लास्ट का जो फिनिशिंग ओवर आते थे ना, वहां पे दिनेश कार्तिक अकेले पड़ जाते थे। लेकिन इस बार मेरे हिसाब से डेविड मिलर एक ऐसे प्रॉपर बैट्समैन रहने वाले हैं जिन्हें आरसीबी टीम अपनी टीम में शामिल करेगी, और मेरे हिसाब से अगर डेविड मिलर आपको 4 से 5 करोड़ में भी मिलते हैं, तो आपको उन्हें अपनी टीम में शामिल जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए देखिए चिन्नास्वामी के स्टेडियम में लेफ्टी बैट्समैन वैसे भी आराम से बाउंड्री पार कर सकता है, वैसे छोटा सा स्टेडियम में, और आपको देखिए बड़ा टोटल बनाना पड़ेगा, बड़े टोटल के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी टीम में बड़े बड़े पावर हिटर को अपनी टीम में शामिल करना पड़ेगा, जिसमें से विल जैक्स आपके पास रहेंगे ही रहेंगे, कैमरन ग्रीन रहेंगे, रजत पाटीदार, और वहीं पर अगर डेविड मिलर भी आ जाते हैं तो आपकी टीम बहुत ज़्यादा सॉलिड बनने वाली है। और मेरे हिसाब से डेविड मिलर बेस्ट चॉइस रहेंगे आरसीबी टीम के लिए। और देखिए, गुजरात टाइटन्स उन्हें चाहकर भी रिटेन नहीं कर पाएगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गुजरात की टीम उन्हें रिलीज क्यों करेगी, तो आप लोग खुद सोचिए कि वहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं रिटेन होते हुए नजर आएंगे राशिद खान जी हैं, राशिद खान वो रिटेन करेंगे। और अगर एक और अगर ओवरसीज कोई देखा जाए, वो फास्ट बॉलर अपनी टीम में रिटेन करते हुए नजर आएंगे, उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है वो उन्हें रिटेन करेंगे, यानी कि डेविड मिलर रिलीज हो जाएंगे, तो आरसीबी टीम के पास मौका रहेगा कि डेविड मिलर को अपनी टीम में साइन कर लिया जाए। तो मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस रहेगी आरसीबी टीम के लिए कि एक फिनिशर को अपनी टीम में शामिल किया जाए जो साउथ अफ्रीका से खेलता है, और आरसीबी टीम साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स पर वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में कि साउथ अफ्रीका के ज़्यादातर प्लेयर आप लोग आरसीबी टीम में देखने को मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से आरसीबी टीम एक बार फिर से साउथ अफ्रीका के प्लेयर यानी कि डेविड मिलर को अपनी टीम में शामिल कर सकती है, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।